9 महीने हो चुके हैं, मेरी एज 29 साल है। देखिए अब मेरा रिजल्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज फिर एक बहुत अच्छे रिजल्ट की जर्नी आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया है। आप ये रिजल्ट देख के बोलोगी अनबिलीवेबल रिजल्ट है। मुझे देख के भी सच में एक बार को तो मैं भी झटका खा गया था कि यार इतना अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है ट्रांसप्लांट का, ऐसा रिजल्ट है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है लाइक कर देना और शेयर कर देना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, जो हमारे आज के पेशेंट हैं जिनकी आज मैं आपको जर्नी दिखाने वाला हूँ, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। और उनको मैंने ही क्लिनिक सजेस्ट किया था, क्लिनिक की तरफ से अच्छी गाइडेंस मिली और साथ में थोड़ा सा मेरा सपोर्ट रहा, तो उनका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट की पूरी जर्नी देखनी है आपको, स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखना। तो सबसे पहले देखिए पेशेंट की कंडीशन कुछ ऐसी थी ट्रांसप्लांट से पहले। और ये जो बाल्डनेस होती है बहुत ही कॉमन होती है, जब भी किसी की एज 18-20 साल से ज्यादा होती है और उसका हेयर फॉल आता है तो वो हमेशा सामने से ही आता है या पीछे क्राउन से आता है। फिर ज्यादा बाल्डनेस आ गई थी और सामने से इनकी फेस को देख के लगता कि ये काफी एजड है, जबकि इनकी एज ज्यादा नहीं थी। तो इन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि साहिल भाई कोई अच्छा क्लिनिक सजेस्ट करो, तो मैंने इनको एक क्लिनिक सजेस्ट करा और इन्होंने उस क्लिनिक को चेक करा, पूरा सेटिस्फाइड होने के बाद अपना ट्रांसप्लांट कराया और कुछ ऐसा इनका हेड ट्रांसप्लांट हुआ था। आप देख सकते हैं बहुत ही हाई डेंसिटी इनका काम किया गया और बहुत ही जबरदस्त इनका ट्रांसप्लांट हुआ। और फिर कुछ स्टेप शुरू हो जाते हैं, जैसे आपको करवट लेके नहीं सोना 6-7 दिन, और उसके बाद आपको हेड वॉश करनी है। शुरू के 7-8 दिन तक तो आपको नॉर्मल झाग बना के रखना है और 10 दिन के बाद आपको हल्का रब करना है 2 फिंगर से, और फिर आपका शेडिंग फेस चलता है। तो धीरे धीरे ऐसे टाइम गुजरा तो ये लगभग 20 दिन के बाद थोड़ा शेडिंग फेस स्टार्ट हो गया, तो ये कंडीशन थी। और फिर धीरे धीरे और टाइम गुजरा तो 2 महीने के बाद इनकी ये कंडीशन थी, जो काफ़ी ज़्यादा शेडिंग फेस आ गया था। और इसी के बाद आपका रिजल्ट आना शुरू होता है। किसी का शेडिंग फेस 60 दिन तक चलता है, 60 डेज तक, 2 महीने तक चलता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा भी चलता है। फॉर आफ्टर मैच करो कितना फर्क आ गया, एकदम से बंदा आगे से चिकना गंजा था और एकदम से बाल आ गए। तो देखो ये फर्क हो जाता है ट्रांसप्लांट के बाद, कि मान लो बंदे की एज भले ही ज्यादा हो गई, जैसे उसकी हेयरलाइन में यहां पे बाल आ जाते हैं तो उसकी एज कम लगने लगती है। तो इनके साथ भी यही हुआ, इनकी एज काफी कम लगने लगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से केयर कर रहे हो, प्रिकॉशन ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, PRP ले रहे हो, डाइट वगैरह ले रहे हो, तो आपका रिजल्ट जल्दी बन जाता है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है और थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। अब फिलहाल हो चुके 10 महीने तो इनकी ये कंडीशन है। 10 महीने में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। 10 महीने में आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर मैच कर सकते हैं, बल्कि आप वीडियो में देखो। हेलो भाई, मैं इफ्तिखार आलम इलाहाबाद से, कि इस टाइम 9 महीने हो चुके हैं और मेरी 29 साल है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही शैम्पू किया हूं बालों में, और देखिए अभी छत पे आ गया मैं। देखिए अब मेरा रिजल्ट, 9 महीने का ये रिजल्ट है। बाल थोड़े छोटे हैं, भी मैं कराया हूँ, बड़े ज़्यादा हो गए थे इसलिए। ये देखिए रिजल्ट, देखिए आप 9 महीने का ये रिजल्ट है। देखिए पूरे तरीके से देखिए, देखिएगा क्लिनिक मैंने एक यूट्यूबर भाई हैं यूट्यूब पे, उनका मैंने चैनल पे जाके मैंने बहुत सी वीडियो मैंने देखा, मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा और आगे भी मैं यही सोचता हूँ कि आगे भी अच्छा रिजल्ट ये मुझे मिलेगा। अभी तो ये 9 महीने का ही है। देख लीजिए आप। तो आपने वीडियो में देखा इनका रिजल्ट कैसा है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। मैं भी देख के चौंक गया, इनका इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आया। इतना अच्छा रिजल्ट इसलिए क्योंकि क्लिनिक ने भी अच्छा काम किया, प्रॉपर इनको गाइड मिलती रही, मेरी तरफ से थोड़ी गाइड मिलती रही, डाइट वगैरह पताता रहा, तो इनकी ये रिजल्ट आ गया। देखो अगर आप ट्रांसप्लांट के बाद अपने ट्रांसप्लांट के साथ थोड़ी भी मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट था। आपको कैसा रिजल्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और 10 में से आप कितना नंबर देना चाहोगे इस रिजल्ट को, प्लीज़ नंबर जरूर देना। अगर आपको इसी क्लिनिक में
अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, जहां इनका ट्रांसप्लांट हुआ मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा, मैं वीडियो में नहीं बताता, वरना फिर आप में से बहुत सारे भाई जो बोलेंगे कि प्रमोशन करा है क्लिनिक का और मैं चीज नहीं करता। जिसको भी ट्रांसप्लांट कराना है, क्लिनिक के बारे में कुछ भी चाहिए, कुछ भी डिटेल चाहिए, सिर्फ आप व्हाट्सएप से मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा, कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। कुछ ऐसी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसा रिजल्ट था और इस तरह की रिजल्ट की जर्नी और अपने रिजल्ट की जर्नी भी लेके आपके सामने आ जाऊंगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।